वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विशेष। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप को कंपैरिजन डिवाइस लिंक किस प्रकार से करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको या तो बिजनेस में या व्हाट्सएप मैसेंजर में कोई सा भी एक आपको ओपन करना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से चलिए मैं व्हाट्सएप मैसेंजर को यहाँ से ओपन किया। व्हाट्सएप मैसेंजर को हमने ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन सेक दिखाई देगा राइट साइड कॉर्नर ऊपर की तरफ में, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए लिंकेड डिवाइस, आपको लिंकेड डिवाइस वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे उस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए लिंक और कंपेशन लिंक डिवाइस यूज मोबाइल डाटा पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड हो या फिंगर हो आप यहां से खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यहां पे जो ये क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है, सिंपली आपको यहां से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहां पे बैक जाने के बाद आपको क्या करना होता है, बैक जाने के बाद यहां पे आपको यहाँ से भी बैक हो जाना है। यहाँ से बैक नहीं होना है, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक और डिवाइस पे क्लिक करेंगे। लिंक और डिवाइस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ लॉक स्क्रीन का जो होता है वो शो हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यूज मोबाइल डाटा पे क्लिक करके उसको ओके कर लेना है। जैसे ओके करेंगे आपके सामने स्कैनर वाला ऑप्शन आ जाएगा आपको स्कैन करने के लिए। तो सिंपली आपको यहाँ से बीच से कटिंग करना है। बीच से कटिंग करने के बाद यहाँ पे चले जाना है जीबी व्हाट्सएप में। जीबी व्हाट्सएप में जाना है, यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप में जाना है, सेम वही नंबर यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक एस कंपेशन डिवाइस आपको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो क्यूआर कोड स्कैन, यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, सिंपली उसको आपको स्कैन करना है। जाना है अपने व्हाट्सएप मैसेंजर में, व्हाट्सएप मैसेंजर में जाएंगे और इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपका जीबी व्हाट्सएप 100% लॉगिंग हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।